गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम का जानना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या होते हैं पहले यह जानेंगे, उनकी मीनिंग, फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो वेयर टू यूज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम वी ऑल्सो नो इन दिस वीडियो। प्लीज़ लुक एट द वाइट बोर्ड। एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स यानी समय बताने वाले विशेषण, यानी समय बताने वाले क्रिया विशेषण जो हैं वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। पहले इन्हें रखा कहा जाता है और वो क्या है, तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम पर आप ध्यान दें। एडवर्ब्स टाइम में पहला ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ऑलमोस्ट, दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग। फर्स्ट सेंटेंस यू कैन सी, बट बिफोर दिस आई हैव टू एक्सप्लेन यू वेयर इट इज़ यूज्ड, वेयर दे आर यूज्ड इन द सेंटेंसेस। तो इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें प्लेस किया जाता है बिफोर द वर्ब्स, वर्ब से पहले प्लेस करते हैं, इन्हें वर्ब से पहले लगाते हैं। और मोर देन वन वर्ब होने पर, मोर देन वन वर्ब, एक से अधिक वर्ब अगर उसमें हैं, तो आफ्टर फर्स्ट वर्ब के बाद इसका यूज़ किया जाता है। पहला वर्ब है उसके बाद, अगर दो वर्ब हैं उससे अधिक हैं। थर्ड में जो है इसे क्या किया जाता है, जहाँ टू बी होता है, टू बी मतलब बी का एक परिवार है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये बी का जो परिवार है उस परिवार के साथ इसे क्या किया जाता है, बोलते प्लेस आफ्टर द वर्ब बी, बी के बाद रखा जाता है। अगर इज, एम, आर, ए, वॉज, वर है तो इसके बाद इसे लगाया जाता है। पहले हम अब सेंटेंस की तरफ ध्यान देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ टाइम इज यूज बिफोर द वर्ब, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वह हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही नेवर डज सो, ही नेवर डज सो, दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ही नेवर डज सो, वो कभी ऐसा नहीं करता, ही नेवर डज शो। इन थर्ड सेंटेंस वी कैन सी, हेयर इज ऑफन, सी ऑफन विजिट्स अस, वह अक्सर हम लोगों से मिलती है। सी ऑफन विजिट्स अस, विजिट इज अ वर्ब एंड ऑफन इज एडवर्ब। इन फोर्थ सेंटेंस, सानिया सेल्डम मेक्स मिस्टेक, सेल्डम मीन्स कभी नहीं, नो, कभी कभी, सेल्डम मीन्स कभी कभी, सानिया सेल्डम मेक्स मिस्टेक, सानिया कभी कभी गलती करती है, कभी कभी गलती करती है। सेल्डम इज अ एडवर्ब ऑफ टाइम एंड मैक इज अ वर्ब। तो बिफोर द वर्ब वी आर यूजिंग दिस एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इन नेक्स्ट सेंटेंस, सी समटाइम्स फील्स लाइक दिस, वह कभी कभी ऐसा महसूस करती है। सी समटाइम्स फील्स लाइक दिस, समटाइम्स इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड फील इज अ वर्ब। इन नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली बार बार, अक्सर, वी फ्रिक्वेंटली विजिट हर, अक्सर हम लोग उससे मिलते हैं, वी फ्रिक्वेंटली विजिट हर। इन दिस सेंटेंस फ्रिक्वेंटली इज एडवर्ब ऑफ टाइम एंड विजिट इज वर्ब। बिफोर द वर्ब वी कैन यूज दीज एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स। इन नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी, वी यूजली हैव ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, हम लोग अक्सर 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं। We usually have breakfast at 9 o'clock, aksar, prayah. In next sentence, we are talking about place after the verb to be. To be ke baad, to be verb, matlab is, am, are, was, were. You can see here, he is often late. Is a be verb. Often is adverb. After the be form, often is used. He is often late. वह अक्सर देर से आता है, उसे अक्सर देर होती है, वह अक्सर देर से आती है, सी इज ऑफन लेट।
ही इज नेवर एट होम ऑन संडे, वह कभी भी संडे को ना अपने घर में नहीं रहता है. नेवर इज एडवर्ब ऑफ टाइम, दिस इज बी फॉर्म. इन नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी सी हैज ऑलरेडी गॉन, वह पहले ही जा चुकी है. सी हैज ऑलरेडी गॉन, हैज इज बी फॉर्म. वी कैन वी आर यूजिंग आफ्टर दैट ऑलरेडी इज एडवर्ब ऑफ टाइम. इन नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन सी हियर ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क, ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क. यहां बात हो रही मोर देन टू वर्ड, मोर देन टू वर्ब की. एक वर्ब आपका ये है और एक वर्ब आपका ये है, फर्स्ट टू. तो फर्स्ट वर्ब के बाद हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना है. इन दिस सेंटेंस ऑल्सो वी कैन सी हियर ही हैज ऑलमोस्ट फिनिश हिज वर्क, लगभग उसने अपना काम समाप्त कर लिया है. यू कैन सी हियर दिस इज द फर्स्ट वर्ब एंड दिस इज द सेकेंड वर्ब. देर आर टू वर्ब, फर्स्ट एंड सेकेंड. तो बिफोर आफ्टर फर्स्ट वर्ब वी हैव टू यूज एडवर्ब ऑफ टाइम. फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.